एसएससी स्टेनोग्राफर गेट सी एंड डी के क्रैश कोर्स के इस वीडियो में आज हम सभी करने वाले हैं इंग्लिश वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इस सीरीज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम लोग टोटल 500 क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका फ्रेंड्स ये पार्ट वन है। फ्रेंड्स, इस पूरे सीरीज को कवर कर लेने के बाद आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एबेटोर। एबेटोर का हिंदी में अर्थ होता है कसाई खाना, मतलब अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, उसको बोलते हैं एबेटोर। सेकेंड है एबॉट। एबॉट मतलब होता है मठाधिकारी, मठाधीश, मतलब अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे, उसे बोलते हैं एबॉट। थर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षेप या फिर लघु रूप। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेजेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये वाला जो मीनिंग इंग्लिश दिया हुआ है वो आपके एग्जाम में दिया रहेगा, और आपके ऑप्शन में ये रहेंगे वर्ड, उस हिसाब से आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे वर्ड्स का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 5 मार्क्स और आपका करेक्टली स्पेल्ड या फिर रॉन्गली स्पेल्ड में आपका कवर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है एबडिकेशन। एबडिकेशन मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, मतलब टू फॉर्मली गिव अप। एब्लूशन। एब्लूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान, मतलब रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। 6 है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब होता है समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। 7 है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है आधिक्य, प्रचुरता। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ क्वालिटी डैट इज मोर देन इनफ, मतलब जरूरत से ज़्यादा। 8 है एसेंटुएट। एसेंटुएट मतलब होता है जोर देना। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। 9 है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मतलब होता है सह अफराधी। सारे का आपको हिंदी याद रखना है, आपको साइन वन टू ही बहुत अच्छे से काम आएगा। एकॉम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। 10 है एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है प्रथम अक्षरी नाम, मतलब वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। क्लियर है। 11 नंबर आते हैं एडेंडम। एडेंडम मतलब होता है परिशिष्ट। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। ठीक है, 12 है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज ETC, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट। एफोरेस्टेशन मतलब होता है वनारोपण, वृक्षारोपण, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया एफोरेस्टेशन का। 14 है एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है घोषणा पत्र, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। ठीक है, उसे बोलते हैं एजेंडा। 15 है एग्रेसर। एग्रेसर मतलब होता है आक्रमणकर्ता, मतलब समवन हु अटैक्स फर्स्ट। 16 है एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, मतलब डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। 17 है एलियन। एलियन मतलब होता है गैर नागरिक। ठीक है, मतलब जो यहाँ का नहीं है। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, दूसरे जगह का लोग को बोलते हैं हम लोग एलियन। 18 है एलिमोनी। एलिमोनी मतलब होता है तलाक पश्चात की जीवन प्रवृत्ति, एलोवेंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमोनी। 19 है एलिगोरी। एलिगोरी मतलब होता है प्रतीक कथा, मतलब स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंपलाइज्ड एज पीपल, उसे बोलते हैं हम लोग एलिगोरी। 20 नंबर है फ्रेंड्स
एलिटरेशन, एलिटरेशन मतलब होता है अनुप्रयास, मतलब कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, उसे बोलते हैं हम लोग एलिटरेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, मतलब वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाले को बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। 22 है एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है गैर पेशेवर, लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टिस, उसको बोलते हैं हम लोग एमेच्योर। एम्बेसडर होता है, पता ही होगा आपको, राजदूत, इसका इसका आपको सस्ट याद कर लेना है मीनिंग, ठीक है, राजदूत मतलब और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, उसे बोलते हैं हम लोग एम्बेसडर। 24 है एम्बिडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों से निपुण, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, उसे बोलते हैं हम एम्बिडेक्स्ट्रस। 25 है एम्बिगस, एम्बिगस मतलब होता अस्पष्ट, मतलब दो अर्थों वाला, मतलब दो तरह के बात बोलने वाला, मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। 26 है एमनेसिया, एमनेसिया मतलब विस्मरण, ठीक है ना, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त भूल जाने वाले को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेस्टी होता है अपराध क्षमा, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, उसे बोलते हैं हम लोग एमनेस्टी। एम्पीबियन बहुत ईजी वर्ड है, उभयचर, ठीक है, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर, जो जमीन और पानी दोनों जगह पर रहता है। 29 है एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब होता है अखाड़ा या फिर रंगभूमि, और डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर, उसे बोलते हैं हम एम्पी थिएटर। एनाल्गेसिया, एनाल्गेसिया मतलब होता है दर्द की अनुभूति न होना, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, क्लियर है। 31 है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब होता है अराजक, वन हु विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, उसे बोलते हैं हम लोग एनार्किस्ट। एनार्की होता है अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे बोलते हैं हम लोग एनार्की, अराजकता। एनेक्टोट, एनेक्टोट मतलब होता है किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, उसे बोलते हैं हम लोग किस्सा, एनेक्डोट। एनिवर्सरी सबको पता ही होगा, सालगिरह मतलब कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, उसे बोलते हैं हम एनिवर्सरी। एनुअल, एनुअल मतलब होता है सालाना, डैट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, उसे बोलते हैं हम लोग एनुअल। 36 है एनोमैली, एनोमैली मतलब होता असाधारण, ठीक है, मतलब डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल ऑफ स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, उसे बोलते हैं हम लोग एनोमैली। 37 है एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, क्लियर, उसे बोलते हैं हम लोग एनोनिमस। 38 है एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, वन डैट अपोजेज अदर, जो एक दूसरे का विरोध करता है, एंटागोनिस्ट उसको बोलते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है जहर नाशक, अ मेडिसिन टू क्यूर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसे बोलते हैं हम लोग एंटीडोट। एफेसिया, एफेसिया मतलब होता है वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, मतलब समझने में असमर्थ, एफेसिया उसे बोलते हैं। एपोस्टेट मतलब होता है धर्म त्यागी, वन हु abandons his religious faith, उसे बोलते हैं हम लोग apostate। 42 है aquatic, aquatic मतलब होता है जलीय, animals which live in water, उसे बोलते हैं हम लोग aquatic। arbitrator, arbitrator या फिर arbiter का मतलब होता है मध्यस्थ, मतलब जो मामला सुलझा दे दोनों तरफ का पक्ष लेकर के, someone chosen to judge and decide a disputed issue, उसको बोलते हैं arbitrator। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, और गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स को बोलते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस मतलब होता है युद्ध विराम, द सेसेशन ऑफ वारफेयर
बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, उसे बोलते हैं आर्मिस्टिस। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी। वन हु प्रैक्टिसेज सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, उसे बोलते हैं हम लोग एसेटिक, मतलब कि सन्यासी। 47 है असासिनेशन, मतलब राजनीतिक कारण से हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, असासिनेशन बोलते हैं उसको। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, साइंस और द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं खगोल विज्ञान को, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एथाइस्ट मतलब होता है नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, उसे बोलते हैं नास्तिक, एथाइस्ट। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किया, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे इस तरह 50-50 क्वेश्चंस करा करके पूरा सीरीज ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 10 बजे वाले वीडियो में आज के अभी में वोकैब टोटल मिलेगा, उसके बाद क्लोज टेस्ट मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। सुबह के 5 AM में जीके का मॉक टेस्ट डेली मिलता है। 2 बजे आज से मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और शाम के 7 बजे आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट डेली अवेलेबल होगा इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक SSC जॉब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब अभी की अभी कर ले। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।